अमेठी में एक दिन पहले अपराधियों ने एक शिक्षक के पूरे परिवार को चंद्र मिनटों में तबाह कर दिया। गोली मारकर परिवार के सभी सदस्यों की निर्मम हत्या कर दी। अपराधियों के हौसले इतने बुलंद थे कि मासूम बच्चों तक को भी अपराधियों ने अपने कहर में नहीं बख्शा। आपको बता दें कि इस घटना के बाद एक तरफ जहां पुलिस पर सवाल उठ रहा है, वहीं परिवार के सभी सदस्य सुध-बुध खो बैठे हैं। पिता ने कहा कि बेटा की मौत के बाद परिवार के लोगों पर जो टूट रहा है वह परिवार का लोग ही जानते हैं। अपराधियों पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। बेटा तो वापस नहीं आएगा, लेकिन पुलिस चाहती तो बेटा जिंदा होता। दरअसल यह पूरा मामला अमेठी जिले के सिवरतनगंज थाना क्षेत्र के अहुरवा भवानी का है, जहां रायबरेली जिले के गद्दागंज थाना क्षेत्र के सुदामापुर गांव के रहने वाले शिक्षक सुनील कुमार अपनी पत्नी पूनम और दो मासूम बेटियों के साथ रहते थे। किराए के मकान पर रहने वाले शिक्षक सुनील कुमार जब दिन भर स्कूल में पढ़ाने के बाद वापस घर आए तो उन्हें नहीं पता था कि उनकी हत्या हो जाएगी और उनके परिवार को आज तबाह कर दिया जाएगा। वहीं पिता ने इस पूरे मामले पर पुलिस पर भी सवाल उठाया है। पिता का कहना है कि अगर पुलिस चाहती तो आज उनका बेटा जिंदा होता। क्या नाम है आपका? राम गोपाल। कहाँ से बोल रहे हैं? गांव सुदामापुर। जो घटना हुई है, हाँ जी, इसके पहले कुछ इस तरह की कभी घर में चर्चा किए थे आपने? कभी नहीं, कभी नहीं। ये रायबरेली में मुकदमा लिखाया गया है, हाँ जी, द्वारा। हाँ, इसके पहले कुछ हरकत यहाँ पे जिनके द्वारा जिनको दिया गया तो कभी कैसे क्या था? उसको साहब हमको जानकारी नहीं है ना। पूरी घटना इसको कैसे देख रहे हैं आप? ये घटना तो आपके साथ एक कमरे में रह रहा है आपका बेटा, हाँ, हाँ। और लोग आके मार दे रहे हैं, कैसे देख रहे हैं? अरे तो साहब हम मार दें तो यहाँ गौरीगंज अमेठी मारी नहीं, वहाँ घर पे थो तो यहाँ ड्यूटी पे रहे, यहाँ मारा गया है, वहाँ तो मारा नहीं गया। नहीं साहब, हमारे गांव में किसी से दुश्मन ने, एक छोटा बच्चा है वो भी जानता है कि मतलब पहले भी जो ना वो लड़का हमारा पुलिस में था, पुलिस जो ना आ गए रहे मस्तरी तो उधर पुलिस करी जान दे के मस्तरी करने लगे कि पापा हम जो हूँ मस्तरी करें। हमका बेटा ठीक है, जहाँ सुकून रहो तुम, अपना परिवार लेके यहाँ रहते थे। नहीं नहीं, घर में किसी से दुश्मनी नहीं रहे तो कैसे चढ़ते? नहीं 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 नहीं। अच्छा, जो यहाँ पे आप लोगों ने मुकदमा लिखाया हत्या का, हाँ, उसमें कैसे तहरीर दी है? किसी का नाम जद्दी है या फिर आप जद्दी दिए? अब जद्दी जो उन्होंने का नाम लिखा रहा कागज में, वही मास्टर ने लिखा होगा, उसी का नाम लिखा है, और हम तो पढ़े नहीं ना। अज्ञात में दिया गया, अज्ञात में किसी नाम कर रहे हो? हैं, अज्ञात में दिए मुकदमा लिखा है, किसी नाम कर रहे हो? अब नाम जब धोबे करी आपको पता नहीं? नहीं पता। पुलिस वाले बताए नहीं आपको? नहीं कुछ बताए। यहाँ कब से हैं? यहाँ तो हम जो ना करीब 3 बजे से हैं। क्या चाहते हैं पूरे मामले में? आपकी क्या मांग? पिता हैं, पिता होने ना तो क्या मांग है आप? अरे साहब मांगते क्या, आज औलाद गए, औलाद तो मिली ना साहब, मिल जाएगी। हैं, इंसाफ जो सरकार दे रहा है, सरकारी मुलाजिम थे, हमारा एक लड़का है, उसको आप नौकरी दिला जाए दिया तो अच्छी बात है कि अब उसी से हम जीवन काट लेंगे वहन के सहारे। कितने लड़के हैं आपके? दो लड़के हैं, एक कन्या, एक बेटी ही बड़ी।